हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्जस मॉम किचन। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। आज हम लोग जा रहे हैं रानी दुर्गावती का किला, हम लोग के घर के एकदम पास है, तो हम लोग पैदल जाएंगे और हम लोग घर से बना के कुछ कुछ चीज़ें ला रहे हैं, लेके जाएंगे वहाँ पे। और मामा ने बहुत यम्मी यम्मी चीज़ें बनाई हैं, तो शीकंटी लोग भी जा रही हैं, मामी लोग भी जा रही हैं, मतलब से मारे मैं भी जाएंगी और हम लोग की जा रही है और गौरी भी जाएगी। तो एक टाइम ऑफ हम लोग की पिकनिक है और मामा भी जाएंगी, तो चलें चलते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ, मैं तैयार हो रही हैं और मैं तो तैयार हो गई और अप्पी भी हो गई हैं। मैंने ये पहना है जीन्स टॉप और मेरा मिनी बैग एंड शूज। सो या हम फाइनली पहुँच चुके हैं और ये सबकी बालन हैंड बैंड है। देखा और हम कुछ नहीं, सब लेके आई है, दोनों लड़कियां कुछ नहीं लेके आई, खाली है। सो गाइस, हम लोग रानी दुर्गावती के किला के अंदर जा रहे हैं और मम्मा लेके जा रही हैं और बाकी सब पीछे आ रहे हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे बहुत छोटी सी सीढ़ियाँ थी तो बहुत डर लग रहा था, और आगे भी बहुत छोटी सीढ़ियाँ थी। और मेरे राइट साइड में छोटा सा कमरा था जहाँ पे विंडो थी, वो विंडो से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और अब हम लोग ऊपर चलते हैं, आते समय हम लोग यहाँ पे रूम में देख लेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये देखिए, और मैं भाग के चली गई थी मतलब वहाँ पे बालकनी के साइड में। और ये देखिए, बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था गाइस। तो आपको मैं व्यू दिखाती हूँ और आप लोग व्यू एंजॉय करिए। तो हम सब ऊपर आ गए थे, हम लोग व्यू देख रहे थे। घूम के आए थे, अब हम उस साइड जा रहे हैं। वाइब्स हमने रिकॉर्ड की, आपको दिख जाएगी व्लॉग में। बहुत सही सही वाइब्स आ रही थी और फोटो खिंचाया गया है। और क्या दिख रहा था वहाँ पे, क्या दिख रहा था, क्या सुंदर सुंदर जगह दिख रही थी, बहुत अच्छा दिख रहा था। ये हम आ गए, हाँ उस साइड से जाते हैं उसे। सो गाइस, हम यहाँ आ चुके हैं। कहाँ से जा सकते हैं? वहाँ से आओ। अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे। सो गाइस, अब मैं अंदर नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ होगा। पर यहाँ पे तो अभी ऐसे टूट गया है आधा बाधा और सीढ़ियाँ भी टूटी हुई है। तो देखिए आप लोग, और थोड़ा मैं अब नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पे पता नहीं किसने कचरा फेंक दिया था। और अगर आप आएंगे तो कचरा बिल्कुल मत फेंकिएगा, अपने साथ लेके जाइएगा। और यहाँ पे मैं गौरी को बोल रही थी कि हाई करो, तो तब वो सुनी तो उसने हाई किया। और अब मैं कुछ नहीं है, बेसमेंट टाइप का है नीचे में। तो सो फ्रेंड्स, हाय, आज हम सारी फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं। और आप ये जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये है रानी दुर्गावती का किला। तो आप देख सकते हैं, हम सभी सारी फ्रेंड्स प्रॉपर रेडी होके अपने किड्स के साथ खाने का सामान लेके आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे खाना अलाउड नहीं है। सो आप लोग जब भी यहाँ पे आए, अपने साथ सिर्फ ड्रिंक्स के अलावा कुछ ना लेके आए, ओनली प्लेन वाटर, ओके। और ये देखिए कितना खूबसूरत किला है, यहाँ आइए और इस किले की खूबसूरती को देखिए, बहुत ब्यूटीफुल किला है। और अब मेरी कुछ फ्रेंड्स आपके साथ यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के कुछ व्यूज शेयर करेंगी। हाय अलीजा मॉम किचन, ये हमारी अलीजा मॉम है, इनके साथ आज हम पिकनिक पे आए हैं और इनकी लजीज बिरयानी को टेस्ट करेंगे हम इस किले में आके। पर अफसोस है कि हमको इस किले पे कुछ अलाउड नहीं कर रहे खाने के लिए, तो हम नीचे जाएंगे गार्डन में, फिर हम वहाँ इनकी लुफ्त उठाएंगे बिरयानी का, फिर हम आपको बताएंगे कि इनकी अलीजा मॉम किचन की बिरयानी का जो लुफ्त हमको मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसका बटन दबाइए। हम यहाँ पे बिरयानी का लुफ्त उठाएंगे और चिकन पॉपकॉर्न बिरयानी बहुत वैरायटी लाई है हमारी, गाजर का हलवा भी, और इनकी जो आज हम नए साल में दावत का लुफ्त उठाने आए हैं, गाजर का हलवा भी उसके साथ आए हैं। तो आप चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अलीजा मॉम किचन। सो
गाइस अब हम लोग नीचे उतर रहे थे गौरी और मैं, तो क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेके नीचे उतर रहे थे क्योंकि नीचे हम लोग एक एरिया में खाएंगे गार्डन टाइप का। और ये देखिए हम लोग खाना खाने लग गए और चादर बिछा के अच्छे से हमने खाना खाया, बहुत इंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग को मिली थी। और मामी जो है छोटी मामी बस खड़े होकर खा रही थी क्योंकि थोड़ी जगह नहीं थी। बिरयानी का लुक खा रहे हैं अलीजा मॉम किचन का, लाजवाब बिरयानी लखनऊ में भी नहीं मिलेगी आपको ऐसी, वेरी नाइस एंड टेस्टी। इस जगह में हम लोग ने बैठ के खाना खाया, गाजर का हलवा हम खा रहे हैं हम तीनों। पहले से मैंने प्रेस कर रही खा रही हूँ मम्मी। खोए का बना हुआ बहुत यम्मी है भाई, खोआ है तो मतलब बहुत टेस्टी है। और अब भाई फूफी के हाथ का है तो और अच्छा है। मॉम के किचन से पानी गिर जाएगा। मैं हूँ शिखा मार्केट और रौनक ने आज बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनाया है गाजर का और खा के दिल खुश हो गया। सो थैंक यू सो मच अलीजाज मॉम, आपकी इसी तरह के हर तरफ अपनी रेसिपीज बनाते जाइए, हमारे साथ शेयर करते जाइए और खिलाते जाइए। तो ये है यमी गाजर का गजरेला पानी है। हम लोग यहाँ पर सब लोग ने स्प्राइट पिया, खूब इंजॉय किया, बहुत मजा आया। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम शिखा के घर गए थे, फिर वहाँ पे जाके हम लोग ने कुल्हड़ वाली चाय पिया और खूब मज़ा किया। हम लोग अभी श्रीकांडी आए हैं, मम्मी लोग चाय पी रही हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं पी पाए थे इसलिए।